कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, वो भी सितंबर 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एफ एंटायर फंक्शन है सच दैट एफ जेड स्क्वायर, एफ जेड का स्क्वायर प्लस एफ डैश जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू वन गिवन है, यानी कि जो एफ एंटायर फंक्शन है वो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आपसे उन्होंने दो सेट डिफाइन किए हैं, एक्स जिसमें क्या है बेसिकली जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड सच दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है भाई। एक सेट गिवन है आपको जेड सच दैट एफ डबल डैश जेड प्लस एफ डैश जेड इक्वल्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है। तो यहां से अगर आप एक्स और वाई को ऑब्जर्व करें तो यहां से हमें गिवन इंफॉर्मेशन से फाइंड हो रहा है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उन्हीं में से किसी न किसी एक सॉल्यूशन का सेट बनेगा। तो यहां आपको बेसिकली दो स्टेटमेंट का यूज करना है कि जो डेरिवेटिव होते हैं वो एंटायर फंक्शन के, डेरिवेटिव ऑफ एंटायर फंक्शन इज अगेन एंटायर फंक्शन, यानी कि एफ एंटायर फंक्शन है तो आप उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो अगेन एंटायर फंक्शन होगा। दूसरा क्या है, एंटायर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। तो अगर मेरे पास एफ एनालिटिक फंक्शन है, जी एनालिटिक फंक्शन है, तो एफ इंटू जी का जो प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा है तो एफ जेड इंटू जी जेड जीरो हो रहा है, तो इनमें से आइदर एफ जेड इक्वल्स टू आइडेंटिकली जीरो या जी जेड इज आइडेंटिकली जीरो। बाई आइडेंटिटी थ्योरम से आप प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों में से एक को एटलीस्ट जीरो होना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन अगर आपके पास जीरो हो रहा है तो दोनों में से एटलीस्ट वन को आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। इन दोनों स्टेटमेंट का आप यहाँ यूज करेंगे। तो अगर यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एंटायर फंक्शन इज अगेन एंटायर फंक्शन, तो मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, तो वो क्या मिलेगा, टू एफ इंटू एफ डैश प्लस टू टाइम्स एफ डैश इंटू एफ डबल डैश इक्वल्स टू जीरो, ये मिलेगा आपको। तो टू कॉमन आउट मिलेगा आपको, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास एफ डैश कॉमन आउट है तो एफ प्लस एफ डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। तो ये अगेन एंटायर फंक्शन, एफ डैश एंटायर फंक्शन, तो एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो इसका मीनिंग एफ डैश इक्वल्स टू आइडेंटिकली जीरो होगा, या आपके पास एफ डबल डैश प्लस एफ आइडेंटिकली जीरो होगा, ये होगा। अगर यहाँ से देखिए एफ डैश आइडेंटिकली जीरो होगा, एफ डैश जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, तो यहाँ आपके पास जो एक्स डिफाइन किया है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ से एक्स क्या बन जाएगा आपके पास सी। अगर ये वाली कंडीशन आइडेंटिकली जीरो हो गई तो ये किस कंडीशन को फुलफिल कर, सेकंड बाई, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, बाई इक्वल्स टू सी, तो आइदर एक्स इक्वल्स टू सी होगा आपके पास, आइदर एक्स इक्वल्स टू सी या बाई इक्वल्स टू सी होगा यहाँ से। तो दोनों ही केसेज में, फर्स्ट केस में पूछा है कि एक्स और बाई हैज अ लिमिट पॉइंट, तो दोनों ही केसेज में अगर एक्स इक्वल्स टू सी हुआ, यानी कि ये आइडेंटिकली जीरो हुआ, ये नॉन आइडेंटिकली जीरो हुआ, तब एक्स इक्वल्स टू सी मिलेगा, तो x के पास लिमिट पॉइंट होगा। और पूछा हुआ है x और y हैज अ लिमिट पॉइंट, अगर ये आइडेंटिकली जीरो हो तो y इक्वल्स टू c मिलेगा, तब भी आपके पास लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा आपके पास। अब देखिए c ऑप्शन को पहले ऑब्जर्व कीजिए कि x हैज अ लिमिट पॉइंट, तो f डैश एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शंस के जीरोज का सेट है हमारे पास। अगर उसके पास लिमिट पॉइंट हुआ तो f एंटायर फंक्शन है, तो वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन c में लाई करेगा, तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम एफ डैश जेड क्या हो जाएगा आपके पास, आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। एफ डैश जेड इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, सी ओपन है, डोमेन आपका कनेक्टेड भी है, तो यहां से आप क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो सी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। बी कह रहा है कि बाई हैज अ लिमिट पॉइंट देन एफ डैश इज कॉन्स्टेंट, वो फॉल्स होगा, क्योंकि आप क्या ले सकते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड ले सकते हैं, जो इस कंडीशन को साइन जेड का डेरिवेटिव होगा कॉस जेड, तो साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड क्या होगा आपके पास, वन होगा, उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये जीरो होने पे आपके पास बाई के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि वो काउंटेबल सेट बनेगा। और डी जो ऑप्शन है उसमें साइन जेड की जो रेंज होती है वो पूरा सी होती है, बट उन्होंने बोल रखा है कि एफ जेड की जो रेंज है वो वन और माइनस वन है, तो डी ऑप्शन इज आल्सो फॉल्स, आंसर इज ए एंड सी।